जो आप एक मन च सोच के बैठे जी कि बीजेपी सरकार आ कर सकती है, आ कर सकती है, वो चीज़ वापर गई है। बहुत ही निंदनयोग, बहुत ही घटिया, बहुत ही मतलब के मंदभागी घटना तो आप इन कह ही नहीं सकते। हुण जे तुसी कातलां नूं मतलब के कुर्सियां ते बिठाओगे तो फिर तो कतल ही होणगे। लखमीरपुर च होए किसानां दे कतल तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों कॉल दित्ती गई सी कि 12 अक्तूबर नूं देश भर दे विच शाम नूं मोमबत्तियां जला के शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जाएगी। तस्वीरां देख सकदे हो, तस्वीरां ने मोहाली दियां, ये मोहाली दे 11 फेस दियां तस्वीरां ने हुण इत्थे, और पूरे मोहाली दे विचों इकट्ठे होकर लोकां वल्लों शहीदां नूं मोमबत्तियां जला के श्रद्धांजलि दित्ती जा रही है। तुसीं देख सकदे हो कि इस जिहड़ा श्रद्धांजलि समागम दे विच हर वर्ग दा जिहड़ा हैगा बंदा इस मौजूद है, इस भैणां बजुर्ग बच्चे नौजवान सब की शमूलीयत इस श्रद्धांजलि समागम दे विच यकीनी बनाई गई है। और हर तुसीं देख सकते हो कि इस वक्त एक काफिला जिहड़ा हैगा वह पैदल मार्च करता होया, कैंडल मार्च करता होया जा रहा है, तो ये काफिला लगातार वधदा ही जा रहा है। नौजवान बीबियां भैणां बजुर्ग इस काफले दे विच नाल रलदे जा रहे ने, साडे नाल नौजवान ने गलबात करांगे। शर्म करो, जिहड़ी ये पूरा घटनाक्रम वापरदा उहदे बारे की कहना चाहोगे? भाई जी, बड़ा ही शर्मनाक, बड़ा कोई मतलब बयान ही नहीं हुंदा, हुण तां साडे कोले शब्द ही नहीं रहे, क्योंकि 3 तरीक दे घटनाक्रम दे उत्ते जिहड़ी गल्लां आपां मतलब दिलां दे विच जो आपां इक मन च सोच के बैठे जी कि बीजेपी सरकार आ कर सकती है, वह चीज़ वापर गई है। तो फिर असीं हुण जे अज्ज इह चीज़ अंदोलन एक बहुत तीबर गति नाल मतलब एकदम हड़ंबा मतलब आपां कहिंदे नहीं हंबला मार के अगे तुरिया आ हुण अगे ज़्यादा, है ना। तो ये जिहड़ा घटनाक्रम होया बहुत ही निंदनयोग, बहुत ही घटिया, बहुत ही मतलब कि मंदभागी घटना तो आपां इहनूं कह ही नहीं सकते, मंदभागी घटना नहीं कह सकते, एक नीवें दर्जे की सोच की घड़ी घड़ाई एक करतूत है जी। ये एक देखने आया कि एड्डी वड्डी घटना वापर जाती है किसानों का, मैं कतल कहूँगा कतल हो जाता गा, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री वालों एक भी बोल नहीं बोलिया जाता, जुबान बंद हो जाती है। इस करके ना जी, क्योंकि वो जी ढाठी मारी हुई मूँह के उत्ते नानिया ने मारी हुई है, पैसे वाली नोटा की मारी हुई है, हूँ उन्होंने बंद कराया हुआ, चुप कराया हुआ। इस करके तो जे आप चीज़ सोचते हैं भी हाँ भी बोल क्यों नहीं रहा, वो तो बोलूगा ना, क्योंकि गोदी मीडिया जरा सारा कुछ है जरा उन्होंने ही है ए टू जी। जे वो मान लो कि कुछ बोलूगा भी अज जाऊगा तो उन्होंने उधरों पिछों बैकअप नहीं आना, पैसे नहीं आना उन्होंने, जी गल हैगी। देखिए कि उत्थे जिहड़े किसान जथेबंदियां दे लीडर पहुँचते हैं, प्रशासन के नाल एक समझौता होंदा है कि जिहड़े किसान शहीद हुए उन्होंने परिवार को 45-45 लाख रुपए तो नौकरी दी जाऊगी, इस फैसले को किवें देखते हो? देखो भाई जी, जिहड़ा ये फैसला आ मैं ये कहना हुंदा कई बार ये गल जिहड़ी तुसीं हुण करी है, जे आपां ये चीज़ अज सोचा जाए, अज जमीनी हालात ने जो साडे बने हुए ने, अज दे जमीनी हालात दे उत्ते खड़ के जे देखी जाए तो ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही है। देखो जिहड़ी गल है, आपां नूं कुछ बंदे इसका हक च भी गल करते हैं, कुछ बंदे इस दे करते हैं अंगेस्ट भी जा रहे हैं, पर जो कुछ समा पा के जो आप ये चीज़ नूं दुबारे प्रत्यावांगे फिर इसके जो असल च तत्थ अगे आउणगे साडे ते प्रभाव की पैंदा है, उस हिसाब नाल चीज़ का निचोड़ निकलिया जा सकता। अज असी इस कोई टिप्पणी करके आप इस मतलब कि एक रंग कोई रंग नहीं दे सकते इस चीज़ में। लगातार जी है देश के मुद्दे भड़काए जा रहे हैं, लोगों को मुद्दे वाल केंद्रित किया जा रहा, पिछले दिन कश्मीर के कतलकांड होंदा गा, और कल जिहड़े हैगे आ 5 फौजी शहीद हो जाते हैं, किसानों का जिहड़ा मुद्दा गा वह लगातार जिते किसानों कतल करता जाता गा, थोनू की लगता भी ये सारे मुद्दे जे जोड़ के कड़ी देखिए? ये भाई देखो, मैं सिंपल जी गल है, हुण जे तुसी कातलां नूं मतलब कि कुर्सियां ते बिठाओगे तो फिर तो कतल ही होणगे, जे तुसी कातलां नूं या फिर जिहड़े बंदे चोर चक्के फिर तो डाके ही वज्जणगे। जे हुण कश्मीर की गल है, चाहे पंजाब की है, चाहे लखीमपुर खीरी है जी, ये सारा पासे जे तुसी उन्हां नूं कहोगे। हुण मैं एक गल कहना चाहुंदा, एक बंदे बड़ी सुरजी जी गल है, ये सारे कहिंदे भी ये देश नूं गुलाम करन नूं फिरदा आ, मैं नहीं कहिंदा, मैं कहिंदा भी ये देश नूं गुलाम कर ही नहीं सकता, ये आप गुलाम होया होया, मोदी आप गुलाम है, जिहड़ा बंदा आप गुलाम है किसी नूं किवें गुलाम कर, अंबानिया दा बिल्कुल आप गुलाम है, तो जिहड़ा बंदा आप गुलामी कर रहा भुगत रहा जी रहा है वह किसी नूं की गुलाम करेगा।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।